जय हिंद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी एट होम। मैं आपका एजुकेटर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास में सभी 11 स्टैंडर्ड के बच्चों का। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव सीन माय लास्ट और द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, बिजनेस forms of organization part 1. In the previous part we have discussed about the sole proprietorship, its advantages and disadvantages. In this part we will discuss the further topic, that is HUF. So what is HUF? Without wasting much time, let's get started. So as you can see on your screen, the full form of HUF is Hindu Undivided Family. बच्चों, हमारे भारत में ऐतिहासिक समय से परिवार जो हैं वो मिलकर रहने की प्रथा रही है। जैसे आज हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, लेकिन भारत की ही देन है जॉइंट फैमिली, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो वही चीज़ कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में भी देखने को मिलती है। मैनी ऑफ द बिजनेस इफ विल कॉल अबाउट अंबानीज एंड टाटाज एंड different types of people, those who are right now currently as a business tycoon, they were doing their business specially with their family only. So ऐसे परिवार जो business करते हैं, ठीक है, जो particular business में involve होते हैं, ऐसे लोगों को specially, ऐसे businesses को हम Hindu undivided family कहते हैं, ठीक है, the family which cannot be divided, right? That such kind of things has been named as HUF. तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ बिजनेस इज इनहेरिटेबल, ठीक है, इनहेरिटेबल मीन्स आफ्टर फादर द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी पास टू द सन एंड देन द अनदर जनरेशन और द डॉटर इवन, ठीक है, यानी अगली जनरेशन को पास होता जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF भी कहा जाता है, राइट, अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज़ बच्चों, HUF। इसमें जितने भी मेम्बर्स होते हैं फैमिली के, वो सारे के सारे HUF का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा है। ब्लड रिलेशन होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मेन पर्सन और द हेड ऑफ द फैमिली इज कंसिडर्ड एज कर्ता, अंडरलाइन द स्पेलिंग KARTA, कर्ता, इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन एज, वेदर वी कैन कॉल एस दादाजी या फिर द मोस्ट एल्डेस्ट पर्सन इन द हाउस इज कंसिडर्ड टू बी द कर्ता ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस का जो हाइएस्ट रैंक होता है इस बिजनेस का, वो कर्ता का होता है, जो घर का सबसे बड़ा इंसान, व्यक्ति, माल। उसके बाद नेक्स्ट कर्ता नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन बनेगा, यानी अगर कोई व्यक्ति है आपके घर में करता, ठीक है, ग्रैंडफादर, देन आफ्टर योर ग्रैंडफादर योर फादर विड बी टेक द डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ योर ग्रैंडफादर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं HUF में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन करता होता है, और उसके बाद उनके बाद जो नेक्स्ट पर्सन होता है, दैट इज़ द नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन विल बी द नेक्स्ट करता, राइट। सच टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम हैज़ बीन पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज नेपाल, राइट बच्चों। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट विदाउट वेस्टिंग अप। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एग्जिस्टेंस बाय द लॉ, यानी ये चीज़ कानून के द्वारा बनाई जाती। अब कानून के द्वारा कैसे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बच्चों हैं स्पेशली, ये किसके थ्रू इंडिया में आई? लॉ, यानी अगर ये लॉ है, कानून भी इसमें चीज़ें लिखित है, राइट। सो वी कैन से दैट HUF is the legalized business which is mentioned in the constitution, although management जो है वो पूरी की पूरी करता द्वारा हो। क्यों करता द्वारा? क्योंकि वो eldest person है घर का, right? इसके अलावा अगर हम इसके कुछ और points की बात करते हैं, specially खासकर हम बात करते हैं कि इनमें काम कैसे कैसे लिए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन जो करता है वही decision लेगा business के सारे, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं, राइट, वो अपना अपना बात रख सकते हैं, लेकिन उनको कोई राइट नहीं है टू इंटरप्ट द बिजनेस, बट दे कैन हेल्प इट, राइट, दे कैन सजेस्ट इट, दे कैन गाइड करता, बट दे कैन नॉट इंटरप्ट हिम, राइट। द मेंबर्स कैन हैव द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट सुटेबिलिटी एंड डिसीजन टेकन बाय करता, दैट वॉट एवर डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय करता, यानी अगर हमारे घर के सबसे बड़े ने जो भी फैसला ले लिया है, सब लोग उनका विरोध कर सकते हैं, उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ठीक है,
लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे हमें उनकी बात माननी पड़ेगी. सो इन द सेम वे कर्ता की बात ही आगे जाकर मानी जाती है. व्हाटएवर द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय कर्ता ओनली ऑफ द HUF इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली. इसके अलावा चौथा आता है मेंबरशिप. मेंबरशिप मीन्स अगर आपको HUF का हिस्सा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. इसका एक ही चीज़ है, एक ही कारण है, बर्थ. अगर आप उस फैमिली में बर्थ लेते हो यानी पैदा होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाओगे, राइट. इसके अलावा फाइनेंशियल कंट्रोल. स्पेशली अगर हम HUF की बात करें तो कर्ता के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है, यानी जो जितनी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर है वो कर्ता के पास होगी, ठीक है, द हेड ऑफ द फैमिली. एंड वॉट एवर ही डिसाइड्स एवरीवन हैज़ टू बी एग्री. इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल के बाद लाइबिलिटी, ठीक है. लाइबिलिटी जो होती है वो कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, याद रखिएगा. क्यों कर्ता की अनलिमिटेड होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसीजन वही ले रहा है, और बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे लोग हैं फैमिली के, उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. व्हाई? क्योंकि उनके डिसीजंस नहीं लिए जाते, वो सिर्फ एज ए हेल्पिंग नेचर काम कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट द कर्ता इज़ हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज ही इज़ टेकिंग द डिसीजन, एंड अदर मेंबर्स आर नॉट टेकिंग डिसीजंस बट गिविंग सजेशंस. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग लिमिटेड, यस, लाइबिलिटी. एंड द लास्ट सेकेंड वन इज लाइफ स्पान. जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बी द नेक्स्ट कर्ता, और द नेक्स्ट सीनियर पर्सन विल बी द नेक्स्ट कर्ता ऑफ द फैमिली, ठीक है बच्चों. यानी मृत्यु के बाद अगला जो व्यक्ति उम्र में सबसे बड़ा होगा उसे ही कर्ता डिफाइन किया जाएगा, ये भी लॉ में लिखा हुआ है. पॉइंट 8 बोलता है कि डिफ़िकल्टी इन रेजिंग फंड्स, यानी स्पेशली आप फैमिली बिजनेस कर रही है तो फैमिली को ही पैसा लगाना पड़ेगा, राइट. सो कोई बाहर से पैसा इतनी जल्दी आपकी कंपनी में लगाएगा नहीं, राइट. सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर आस टू अरेंज मनी, स्पेशली फंड रेजिंग जैसी प्रॉब्लम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है. आप बाहर से एडिशनल कैपिटल कहीं से लाने में थोड़ी सी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनसॉल्वेंसी. व्हाट इज़ इनसॉल्वेंसी? स्पेशली व्हेन द बिजनेस द फर्म बिकम्स इनसॉल्वेंट, यानी दिवालिया हो गया, जितना पैसा लगाया था उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया. अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में द मेंबर ऑफ़ द फैमिली आर डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, यानी जो मेंबर हैं वो इनसॉल्वेंट माने जाएंगे, जो भी उसके कंपनी के मेंबर भी हैं. उनमें से अगर कोई माइनर है यानी 18 साल से कम है तो उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, उसे इनसॉल्वेंट नहीं कराया दिया जाएगा, और उससे कोई कर्ज भी वापस वसूला नहीं जाएगा क्योंकि वो माइनर है, ठीक है, बच्चा है, बच्ची है, तो उसे एक्सक्लूड किया जाएगा. डेप्ट और पेमेंट सिर्फ मेंबर्स और कर्ता से ही लिया जाएगा. Especially the share of the family of HUF has been taken into consideration. The liability of Karta is unlimited, बच्चों. तो ये भी underline कर लीजिएगा please. The liability of Karta is unlimited, right? ठीक है बच्चों. I hope these 9 points are crystal clear to you. The characteristic of HUF, that it is existed by the law, management is done by Karta, independent field of operations, यानी सब अपने decisions ले सकते हैं, but Karta के पास थोड़ा power ज़्यादा होता है. मेंबरशिप के लिए बर्थ चाहिए आपको, यानी पैदा होना पड़ेगा उसी फैमिली में. देन फाइनेंशियल कंट्रोल, बिजनेस में कर्ता का सबसे ज़्यादा, बाकी सब लोगों का भी थोड़ा बहुत होता है. पॉइंट 6 शोज दैट लायबिलिटी अनलिमिटेड कर्ता की और बाकी सबकी लिमिटेड, और अगर कोई माइनर है तो उसे आप एक्सक्लूड करते जाएंगे. इसके अलावा लाइफ स्पान जो होता है कर्ता के बाद नेक्स्ट कर्ता एल्डेस्ट पर्सन बनेगा. प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है नया फंड, नई पैसे लाने में, फंड रेज करने में, कैपिटल राइज करने में, एंड इंसॉल्वेंसी. अगर इंसॉल्वेंसी जैसा कुछ होता है तो घर के जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स और कर्ता जो होंगे वही लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है बच्चों. सो ये था आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना और ग्रुप में किया जाने वाला एक बिजनेस. आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिजनेस विच इज़ द मोस्ट कॉमन इन नावर टाइम्स, दैट इज़ पार्टनरशिप. बच्चों पार्टनरशिप या फिर साझेदारी आप 11th में भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, आप स्टेट में पढ़ रहे होंगे. जनरली साझेदार या पार्टनर कौन होता है? द टू पीपल्स दोज हु आर शेयरिंग एनीथिंग. जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से एग्री होकर कोई चीज़ बांटते हैं, शेयर करते हैं,
तो हम उसे पार्टनरशिप कह सकते हैं। ये भी एक बहुत पुराना स्केल है, बिजनेस का टाइप है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। लंबे और बड़े बिजनेसेस में आज भी हम पार्टनरशिप देखते हैं, राइट। लेकिन ये कैसे सोल प्रोप्राइटर और HUF से अलग है, राइट, उसके लिए हमें सबसे पहले इसका मीनिंग देखना होगा। उससे पहले देख लीजिए इसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दैट ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड स्पेशली, राइट। इसके साथ साथ पावर जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो काफ़ी मजबूत होती है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं हम इसका। पार्टनरशिप का मीनिंग बिजनेस सिस्टम से है। इसमें ओनरशिप जो होती है यानी मालिकाना हक जो होता है वो शेयरिंग रेशियो पर डिपेंड करता है। यानी दो पार्टनर में से किसका शेयर ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा वो उनकी आपसी म्यूचुअल कंसेंट यानी आपस की जो भी बात होगी उस पर, प्लस उनके शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। यानी जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल जाएगा। 1932 यानी 1932 का ये वो साल है जब पहली बार पार्टनरशिप फर्म एक्ट बना, और उस एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ लिखी गई थी। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दैट पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सच पर्सन, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सच पर्सन हु हैव गिव एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट और लॉस। यानी दोनों चीज़ के लिए एग्री है, प्रॉफिट आएगा तो भी शेयर करेंगे और लॉस आएगा तो भी हम शेयर करना ही पड़ेगा। विच इज़ रन बाय वर्ल्ड और रन बाय ऑल, यानी ये भी चीज़ें इसमें निर्धारित होती कि क्या वो बिजनेस किस इन दो पार्टनरों से चलेगा, दोनों से या किसी एक से, राइट। इसे ही हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं, राइट। तो याद रखना बच्चों प्लीज़, दिस मच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। ये पैराग्राफ अच्छे से याद रखना। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट। एज यू कैन सी द फर्स्ट वन, रिलेशनशिप बाय स्पेशली द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि हम एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ, राइट। इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट विच इज़ इन रिटन फॉर्म, यानी लिखित रूप में हो सकता है या ओरल रूप में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर पर, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इसे रिटन एग्रीमेंट में लेते हो तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी कह सकते हैं आप सेफ साइड माने जाओगे। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर, कैसे बने, बहुत आसान है। कैसे, वी डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, लॉ प्रोसीजर, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम से हमें होकर गुजरना ही, ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ईजीली हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो तो आपको चाहिए पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड मतलब आप जो भी काम करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाएगी, कंपनी का एड्रेस कौन सा रहेगा, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट काफ़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स बिटवीन पार्टनर्स, दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, हाउ दे आर गोइंग टू डू एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव टू डू। तो पार्टनरशिप डीड एक कहें तो पूरे बिजनेस का एक रिफ्लेक्शन है बच्चों, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही मेंटेन करना पड़ता है। नंबर ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें तो 2013 में ये क्लॉज 464 आया था कि अकॉर्डिंग टू दिस हम मिनिमम टू और मोर देन 100 मेंबर्स तक अपने एज एन पार्टनरशिप में यूज़ कर सकते हैं। बट जब 2014 में इसी रूल को थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया, और अमेंड करने के बाद नया रूल ये बना कि मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स वेर अलाउड इन पार्टनरशिप, ओके। सो मिनिमम टू मैक्सिमम 50 विच इज़ अमेंडेड इन 2040, राइट। व्हाट पर्पस डिड पार्टनरशिप स्टार्ट, ज़रूरत क्यों होती है पार्टनरशिप शुरू करने की या हम क्यों करते हैं। जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी में ह्यूमन आर नॉट ईजीली रेडी टू टेक रिस्क एंड ऑल दोज़ हु कैन टेक द रिस्क दे आर नॉट हैविंग मनी एंड द पर्सन जिसके पास पैसा हो और जिसके पास दिमाग हो, ये दोनों चीज़ें जिसके पास होती है, राइट, वो अपने आप बिजनेस शुरू करता है। बट अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास नहीं, तो आप वैसा व्यक्ति ढूंढोगे जो आपको कंपनसेट कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट बोथ द पार्टनर हैज़ टू बी वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव, एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज़ नॉट पार्टनरशिप, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है।
कि जो पर्पस है वो लीगलाइज रहे, वो प्रॉफिट पर ही बेस करे और जितना हो सके एक दूसरे का ट्रस्ट बना रहे। इसके अलावा जो नेक्स्ट नंबर सिक्स आता है आपको देखने को, वो है कैपिटल। कैपिटल जो है बिजनेस में दोनों तरीके के पार्टनर लेकर आते हैं, ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टनर बनने के लिए कंपलसरी पेमेंट करना होगा। आप एक एक्टिव पार्टनर की तरह भी बिजनेस में काम कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको उस चीज़ को पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाना होगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अभी बता चुका हूँ। मैनेजमेंट जो है वो पार्टनर्स में जिसका शेयर ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करती है, और जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखित होगा, राइट। इसके अलावा मोर देन वन पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इवेंट, ठीक है, यानी जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड होती है, HUF में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स में जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी, ठीक है। द पर्सन हु इज़ हैविंग मैक्सिमम शेयर इन बिजनेस इज कंसिडर टू बी द हाइएस्ट लाइबल फॉर द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द एक्ट पार्टनरशिप रिसेंटली विच इज़ बिंग ऑफर्ड, दैट इज़ पर्सनली और जॉइंट पेमेंट ऑफ द फर्म डेब्ट्स, ठीक है, चाहे आप उसे अकेले पेमेंट करें या फिर किसी चीज़ के साथ। इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स हैज़ अनेबल टू पे द डेब्ट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी देन रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर हैव टू पे द डेब्ट फॉर देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज, यानी अगर कोई एक पार्टनर पैसा नहीं चुका पा रहा है तो बाकी जितने भी पार्टनर हैं वो मिलकर इसकी हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी EMIs और अपने पैसे को चुका सके, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन पॉइंट 9 शोज दैट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी अगर आप ईजीली चाहो, जो कि HUF में नहीं था कि आप ट्रांसफ़र कर सकें ओनरशिप को, बट यहाँ कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, यू कैन ईजीली ट्रांसफ़र एनीथिंग टू एनी बॉडी पर्सन, राइट। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप के उसके ब्लड रिलेशन है या नहीं है, इन शॉर्ट आप उसके किसी पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओनरशिप का ज़्यादा इशू इस पे नहीं आता है। पॉइंट 10 शोज इट लीगल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द 1932 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, it clarifies that the partners rights, duties, rules, registration, firms, everything was being written in this partnership act of 1932. तो एक लीगल प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी तरीके की कोई इलीगल चीज़ नहीं होती। नंबर 11 एंड द लास्ट वन शोज दैट द लाइफ स्पान ऑफ द फर्म, ठीक है, कब तक बिजनेस चलता रहेगा। पार्टनरशिप का जो लाइफ स्पान है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि कोई पार्टनर अगर मेंटल इम्बैलेंस के कारण या फिर किसी दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है, देन पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर्स विद देयर म्यूचुअल कंसेंट, मतलब जो भी जो बचे हुए पार्टनर है वो आपस में मिलकर सोचकर बात करके जो बचा हुआ है उसे बेचकर प्रॉफिट है या कैपिटल है उसे बांट सकते हैं आपस में, यानी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस जो है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि हम जा चुके पार्टनर की जगह एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में लाएं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, और इसकी तरह भी हम सिचुएशन से लड़ सकते हैं। पार्टनरशिप कम टू एन एंड बट मेनी टाइम्स पार्टनरशिप इज़ नॉट डिसॉल्व्ड, वैसे तो यहाँ पर पार्टनरशिप ख़त्म हो जानी चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक पार्टनरशिप आज भी चल रही है अलग अलग टाइम, ठीक है बच्चों। लेट्स सी द एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत आसान है और लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, अच्छे से बन जाती है, जल्दी बन जाती है, तो और इसीलिए हमें ज़्यादा इसमें खर्च नहीं करना पड़ता। सिर्फ थोड़ा सा एक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है जो आपको थोड़ा सा हैक्टिक बना सकता है, और बाकी सब इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये काफ़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टनर आपस में काम कर रहे हैं जिनके पास नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस सब कुछ है, एक दूसरे को अच्छे से सजेस्ट करके डिसीजंस लेकर, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं और पूरी मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। पॉइंट 3 बताता है आपको कि इसमें जो गुडविल है स्पेशली क्रेडिट वर्दीनेस क्रिएट करती है। अब गुडविल क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है कि अगर एक पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू सेल गुड्स और द क्रेडिट टू द लैंड फॉर द फाइनेंस ऑफ द फर्म, स्पेशली क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर डेब्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर इवन फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, दस इट्स कंपैरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग क्रेडिट वर्दीनेस फॉर द फर्म्स इज मोर, यानी अगर दो एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों एम्प्लॉयज़ में भली एक एम्प्लॉयज़ हैं जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करता है, जिसकी अच्छी इमेज है मार्केट में, तो उसकी अच्छी इमेज का फ़ायदा जो दूसरा पार्टनर है वो भी उठा सकता है। रीज़न, क्योंकि एक पार्टनर की अच्छी गुडविल दूसरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली बेनिफिट करेगी। ये चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है, किसी एक पार्टनर की कोई नेगेटिव बात
दूसरे पार्टनर को भी नेगेटिव हो सकती है, बट हम पॉजिटिव चीज़ की बात करेंगे। यहाँ हम क्रेडिट वर्दीनेस क्रिएट करते हैं, यानी एक की गुडविल से दूसरे की गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद मोर कैपिटल रिक्वायर्ड है यहाँ पर स्पेशली, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आपस में इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस करते हैं, सो वी कैन से दैट मोर कैपिटल इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, सो अ न्यू पार्टनर और एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज्ड, यानी हमेशा नए पार्टनर को हम इंक्लूड कर लेते हैं बिजनेस में। एडवांटेजेस डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो काम है वो आपस में बांटा जाता है, ठीक है। सो ये बड़ा एडवांटेजेस है, बिकॉज इफ विल डू और डिवाइड योर वर्क बिटवीन योर एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, दैट वर्क विल फिनिश इन वेरी फास्ट मैनर, ठीक है। अगर आप अपनी एबिलिटी यानी काबिलियत, एक्सपीरियंस यानी अनुभव के अनुसार काम को बांटते हो, तो वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। दिस इज नंबर 5, एडवांटेजेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर। पॉइंट 6 शोज दैट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो हियर द डबल और द वेस्टेज काउंटिंग वुड नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो प्रॉपर होंगे, जल्दी लिए जाएंगे, ठीक है, और आपको बेनिफिट भी देकर जाएंगे। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय कंसेंट, आपस में मिलकर बातचीत करके लिए जाएंगे, तो इसमें किसी एक व्यक्ति का गलत होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटर में हमने देखे थे। इसके अलावा नॉलेज एक्सपीरियंस पार्टनर आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गलत डिसीजन लेने से वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है, वॉलंटरी मीन्स कोई दबाव, बिना किसी दबाव के अगर आप अपनी खुशी के साथ पार्टनरशिप करना चाहो, अपनी हैप्पीनेस के साथ पार्टनरशिप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लगातार बदलती इन्वायरमेंट के कारण, यानी जैसे आज के दिन में आज की दौर बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें टाइम के हिसाब से भी चेंज होना पड़ेगा, एंड पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। पॉइंट 8 शोज़ अस प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, खासकर जो लोग हमारे देश में माइनॉरिटी में रह रहे हैं, कम संख्या में रह रहे हैं, स्पेशली यूजुअली इन दिस पार्टनरशिप फॉर्म ऑल टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, आपस में कंसेंट करके ही वो कोई डिसीजन लेते हैं, मिलजुल कर बात करके ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर किसी चीज़ पर एग्री नहीं है, द वर्क कैन नॉट बिगिन, पर अब अगर कोई एक पार्टनर उस चीज़ के लिए बिजी नहीं, रेडी नहीं है, तो फिर शायद यहाँ पर क्या होगा, वो काम नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि चार पार्टनर हैं, तीन एग्री हैं, एक एग्री नहीं है, तो भी वो डिसीजन लिया नहीं जाएगा, भले आपके पास मेजॉरिटी है तो भी। सो एनी पार्टनर कैन आस्क डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप द वे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज़ प्रोटेक्टेड। तो हम कह सकते हैं भले आप माइनॉरिटी हो गए बिजनेस में, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनी, समझी और ध्यान दी जाएगी। पॉइंट 9 शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, यानी आपका सीधा संबंध कस्टमर्स के साथ होगा, ठीक है। पॉइंट 10 डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मीन्स वट एवर यू आर हैविंग इट इन अ पार्टनरशिप फॉर देर इज़ मोर देन टू पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज़ डिवाइडेड, यानी जब दो पार्टनर हैं तो दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आपस में, जी हाँ, डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो बर्डन होगा टैक्स का, वो किसी एक के ऊपर नहीं आएगा, यानी पूरी कंपनी पर आएगा। वॉट एवर हमसे एवर द पीपल आर वर्किंग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को उस बर्डन को क्या करना होगा, कम करना होगा थ्रू देयर इनकम, राइट बच्चों। दीज आर द 11 इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, विच स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट, ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, इंक्रीज इन गुडविल, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, एडवांस्ड डिविजन्स ऑफ लेबर एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सीबिलिटी एट द हाइएस्ट लेवल, प्रोटेक्शन कैन बी डन विद द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, गुड रिलेशंस, डायनेमिक पावर एंड लेस टैक्स बर्डन, ठीक है बच्चों। इसके बाद आज हम देख लेते हैं आज का आखिरी टॉपिक, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। वट आर द लिमिटेशन हियर, दैट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, इसमें लिमिटेशन आता है कि एक लिमिटेड कैपिटल का सोर्स, यानी इसमें हम अनलिमिटेड पैसा नहीं लगा सकते, आप अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम लगाएंगे, जैसा जिसका कैपिटल होगा उसके अनुसार। लार्ज स्केल बिजनेस में खास करके अगर हम बात करते हैं, द एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च कैन नॉट बी अंडरटेकन, राइट। आप रिसर्च नहीं करवा पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। इसके अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो पेमेंट होगी वो आपको अनलिमिटेडली करनी पड़ेगी, अगर कोई लॉस हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो भी आप ही उसके ज़िम्मेदार माने जाएंगे। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी दो लोग काम कर रहे हैं तो एक एग्री है, दूसरा शायद ना भी एग्री हो, तो ऐसी भी कंडीशंस आ सकती है, यानी आपका जो पार्टनर है कभी कभी आपसे ही वो अलग चलने लग जाए, तो सच पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट हैज़ बीन अराइव्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म। मेंटेनिंग सीक्रेट इसमें काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो
सीक्रेट है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, हमें रिलेशन अच्छे बनाने हैं, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना है, ठीक है। शेयर्स को ट्रांसफ़र करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं रहे तो उसका शेयर किसके पास जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा कंसेंट इसमें करना पड़ता है, यानी बातें करनी पड़ती है। इसके अलावा पॉइंट 6 बोलता है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले होता है, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिए जा सकते जितनी जल्दी सोल प्रोप्राइटर में लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेंदी हो जाती है इसमें, ठीक है, समय लेने वाली होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पान की बात करें कि कितने समय तक ये बिज़नेस चलता है, वो थोड़ा शॉर्ट होता है, यानी जब तक पार्टनर रहेंगे, जब तक सब कुछ ठीक जा रहा है, तब तक पार्टनरशिप फॉर्म चलती रहेगी। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द डे व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉपर, देन द बिजनेस विल शटर्ड ऑफ और क्लोज डाउन, ठीक है। सो अप टू हियर वी आर फिनिशिंग ऑफ टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ रिमेनिंग। टिल देन गो थ्रू इट। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टनरशिप फर्म, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस। गो थ्रू विद इट ईच एंड एवरी पॉइंट्स। इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ कन्फ्यूजन, प्लीज पोस्ट अस इन कमेंट बॉक्स। विल गेट बैक टू यू सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।